यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुनी है, सूर्य का उन्नयन कोण है? इसमें से चार ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही है यही बताना है। तो सबसे पहले देखिए, आप इस टाइप से आकृति बना लेंगे, समझ में आ गया। ए बी, ए बी क्या है तो स्तंभ की ऊंचाई है, स्तंभ की ऊंचाई है जिसको हम लोग माने हैं एक्स, समझ में आ गया। ये बी सी, बी सी का है तो छाया की लंबाई है, बी सी का है छाया की लंबाई है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो छाया की लंबाई है ना वो स्तंभ की लंबाई से, स्तंभ की लंबाई से, तो स्तंभ की लंबाई एक्स है, इस लंबाई से कितना गुनी है तो 1/√3 गुनी है, ये क्वेश्चन में दिया है, समझ में आ गया। तो निकालना क्या है, ये वाला एंगल सी निकालना है, ये कोण कितना है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए इसमें निकालेंगे समकोण त्रिभुज, देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में देखिए कोण निकालना है, तो इसके सोझे वाला जो भुजा होता है उसको बोलते हैं पी, तो यहाँ पे लिखेंगे पी बराबर एक्स और नीचे हो जाएगा ये बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, तो यहाँ पे बी बराबर लिखेंगे एक्स इंटू 1/√x, समझ में आ गया। इसको हल करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा एक्स 1/√3, समझ में आ गया। अब इसमें निकालना है ये देखिए ये वाला कोण निकालना है, तो ये कोण कैसे निकलेगा देखिए, P बाई बी किसका फॉर्मूला होता है tan थीटा का, यहाँ पे लिखेंगे P बाई बी बराबर tan थीटा का फॉर्मूला होता है, P का मान कितना है x, यहाँ रख लेंगे x, और B का मान कितना है x 1/√3 है। अब यहाँ पे देखिए tan थीटा का tan थीटा, अब यहाँ x इंटू 1/√ ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला जाएगा, समझ में आ गया, क्या है कि ये दोनों साथ में है ना, ये दोनों साथ में है तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाता है, तो और बराबर यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा, ई एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/√3 बराबर tan थीटा। अब यहाँ पे देखिए tan के रूप में 1/√3 किसका वैल्यू होता है, तो ये होता है tan 60° का होता है, बराबर यहाँ है tan थीटा, अब ये tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 60 बराबर थीटा, यानी ये जो कोण मिला है ये कोण ये कितना डिग्री है 60° है, तो यानी ऑप्शन इसमें सही है, ऑप्शन आपका तीसरा, ये वाला ऑप्शन आपका सही है।